उन्होंने रिसर्च बहुत किया था कल अपने स्पीच के लिए और मेरे समय आर्थिक स्थिति क्या थी उसका भी वर्णन किया। चिदम्बरम के बारे में मैंने क्या कहा था उसका जिक्र किया, चिदम्बरम ने मेरे बारे में क्या कहा था उसका जिक्र किया, तो बढ़िया है। लेकिन अफसोस ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि आडवाणी जी ने उनको ये मशवरा दिया था कि व्यक्तिगत आरोप मत लगाना, लेकिन ठीक उसके उल्टा आडवाणी जी के मशवरे को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने मेरे ऊपर कई व्यक्तिगत आरोप लगाए। आज के दिन देखिए ये सवाल नहीं है कि मैं क्या था मैंने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज की जो परिस्थिति है उसके बारे में मैंने जो लिखा उसका जवाब क्यों नहीं कोई दे रहा है, जो तथ्य मैंने दिए हैं उसका जवाब क्यों कोई क्यों नहीं दे रहा है। 12 साल मेरी आईएएस की नौकरी बाकी थी और मैंने उस नौकरी को छोड़ा था। मैं रिटायर होकर पॉलिटिक्स में नहीं आया था, मैं नौकरी और वह भी आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आया था, वो भूल गए। मैंने स्वयं तय किया कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। कितने लोग हैं इस देश में जो इस बात को जानते हुए कि लोकसभा में जीत सुनिश्चित है ये कहेंगे कि मुझे नहीं लड़ना है लोकसभा? नहीं लड़ा, स्वयं अलग हो गया। जेटली साहब ने मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया था कि आप चुनाव मत लड़िए, ठीक है। तो आज के दिन ये कहना कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूं 80 साल की उम्र में, बताइए मेरे बारे में ऐसा कहना। 3.5 साल से मैं खामोश बैठा हुआ हूं अपने कोने में, कभी कभार कुछ बात आती है तो कह देता हूं, लेकिन आज की जो आर्थिक परिस्थिति है उसके बारे में मैंने एक वर्णन किया है। और अरुण जेटली जी का ये फर्ज बनता है कि वो मेरे इतिहास में गए बगैर वो इन बातों का जवाब दें जो मैंने उठाया है। जब मैं विदेश मंत्री बना, मत भूलिए उस समय पाकिस्तान और भारत की फौजें आमने सामने थी बॉर्डर पर और एलओसी पर, उस परिस्थिति में मैं विदेश मंत्री बना, तो मैं बेकार था, यूजलेस था, इसलिए उन्होंने विदेश मंत्रालय में भेज दिया, क्योंकि उससे बेकार मंत्रालय और कुछ दूसरा नहीं हो सकता था। क्या बात करते हैं ये लोग, इतिहास भूल गए, कुछ भी चार्ज लगा दो, कुछ भी बोल दो। लेकिन अच्छा लगा कि उन्होंने ये बात कही। अगर जेटली जी को जरा भी स्मरण हो तो मेरे टाइम में पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस को लेकर पार्लियामेंट में चर्चा होती थी, महंगाई को लेकर कभी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि महंगाई को कठोर नियंत्रण में हम लोगों ने रखा था जी।